ओवरहेड एनालिसिस के अंदर फोर मेन स्टेप्स होते हैं हमारे पास, किसी को अगर आइडिया हो तो, एनीबॉडी? चार मेन स्टेप होते हैं हमारे पास, उन स्टेप्स के अंदर ओवरहेड हम कैलकुलेट करते हैं। पहला सवाल ये कि ओवरहेड्स को फाइंड करना जरूरी क्यों, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, हमें क्या जरूरत पेश आती है ओवरहेड्स को पढ़ने के लिए। दोनों खोलते हैं नीचे ऊपर। अच्छा जी, ओवरहेड्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, हम ओवरहेड्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, दिस इज अ क्वेश्चन। Anybody? Somebody should must be there to reply. To calculate overhead absorption rate. ठीक हो गया जी, overhead absorption rate calculate करना क्यों जरूरी है, हम तो cost accounting पढ़ रहे हैं, तो costing के अंदर overheads को find करना क्यों जरूरी है, ये सवाल है सबसे पहले हमारा। एक मिनट, इसमें ना आपने overheads को देखना है, chapter आई नई बुक तो नहीं, CMAC ऊपर थर्ड ये खोलना, ये खोलना, हाँ नहीं वापस जाने दे यार, PDF वगैरह खोलना, नीचे नीचे सबसे चौथा ये। हाँ जी, इसको फाइंड करना क्यों जरूरी हो यार, ये तो वो लंबी नहीं काफी लंबी, दोबारा करा कुछ चैप्टर वाइज निकाली नहीं थी आप, अगर वो निकल आए तो ठीक है, इसको फारिग करा दे मैं पढ़ा लूंगा। हाँ जी, स्टूडेंट का रिप्लाई ना, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या हम ओवरहेड रियल फाइंड करते हैं या एस्टिमेटेड फाइंड करते हैं, ये भी एक सवाल हो गया, एक नई चीज हमारे सामने आ रही। इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, तो अगर इसका मतलब अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज नहीं कर रहे देन ओवरहेड्स को फाइंड करना फिर जरूरी नहीं होगा। चले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना यहां से जनाब। बेसिकली हमने एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने जनाब, और एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स देखें हमारे पास। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास कस्टमर आता है, तो मुझे कस्टमर को कोई सेलिंग प्राइस बतानी है, कोई नहीं प्राइस तो बतानी ना कस्टमर को जिस पे मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। तो सेल कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि मुझे ये आइडिया हो कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। एक बच्चे ने आंसर किया कि रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ हद तक ये आंसर ठीक है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास कस्टमर आता है, मैं कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो मुझे सेल प्राइस एस्टिमेट करनी है कि यार किस प्राइस पे मैंने प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सेल करनी है। तो सेल प्राइस को एस्टिमेट करने के लिए जरूरी है कि मुझे पहले खुद ये आइडिया हो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। आइए, सेल प्राइस के लिए जरूरी है पहले मुझे खुद से आइडिया हो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इसको मैं कितनी कॉस्ट में बनाऊंगा, मैं इसको एक अच्छा ठीक है। अभी तो कस्टमर मेरे पास आया है, मैंने प्रोडक्ट को अभी एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं किया, अभी एक्चुअली नहीं बनाया, लेकिन हमें एक एस्टिमेट लगाना होगा, वी हैव टू एस्टिमेट दैट हाउ मच एक्चुअल कॉस्ट वी हैव टू इनकर टू प्रोड्यूस दैट आइटम। तो एक प्रोडक्ट के हमें टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है, अगर टोटल कॉस्ट एस्टिमेट होगा तो फिर हम सेलिंग प्राइस का एस्टिमेट कर सकेंगे, फिर हम कस्टमर को बता सकेंगे जनाब कि आपको हम ये प्रोडक्ट कितने की बना के सेल करेंगे। हमें ये तो आइडिया है कि कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हम ऐड करते हैं और मार्जिन या मार्कअप हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है जनाब। तो लिहाजा सिंपल इज दैट कि हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने, हमें प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करें। तो टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए कि एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, उसके सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो कंपोनेंट्स मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम ओवरहेड्स का नाम दे रहे होते हैं।
तो अगर हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट नहीं आएगी हमारे पास। अगर एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट नहीं आएगी तो हम सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड कर सकेंगे, हमारा बिजनेस ही नहीं चल सकेगा यहाँ पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्ट जो बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करें। तो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए बेटा हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये कि हम ओवरहेड्स को क्यों पढ़ रहे हैं जनाब, हमारे लिए ओवरहेड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है। हम ओवरहेड्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ओवरहेड्स का एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम एक मेथड यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि यार ओवरहेड्स तो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में बनाता हूँ उस फैक्ट्री का मैं रेंट पे करता हूँ। रेंट कितना है, 50,000 रुपीज है। तो 50,000 रुपीज का रेंट पे कर बेटा। स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही सबको? ठीक, फाइन। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने कहा कि यार प्रोडक्ट को टोटल हम जो बना रहे होते हैं तो हमें ओवरहेड्स का एस्टिमेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ओवरहेड्स का एस्टिमेट नहीं कर सकते हम तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। एस्टिमेट करना जरूरी क्यों होता है, जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही? ऑल ऑफ यू कैन हियर द स्क्रीन? एक बच्चे ने कहा नो, ठीक हो गया। आई थिंक सबको नजर आ रही होगी बेटा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहां पे। अच्छा जी, तो बात बड़े यहां पे हम कर रहे थे कि ओवरहेड्स को एस्टिमेट करना मुश्किल क्यों होता। ये इसको एस्टिमेट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। मसलन मैं एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करता हूं, क्या बनाता हूं, शर्ट्स बनाता हूं फैक्ट्री के अंदर। शर्ट्स बना के मैं मार्केट में सेल कर लेता हूं। एक शर्ट की मैं कॉस्ट फाइंड करना चाह रहा हूं कि यार एक शर्ट जो है इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो बड़ा आसानी के साथ हम मटेरियल निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। तो शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा या क्लोथ, कपड़ा कितना यूज हो रहा है, कितने मीटर कपड़ा यूज हो रहा है, पर मीटर रेट क्या है, तो कपड़े की यानी मटेरियल कॉस्ट निकलाएगी। लेबर, जो लेबर उस पर काम करते जो वर्किंग कर रहे हैं, कितने घंटे लगाएगा, पर आवर मैं पे कितना करूंगा, लेबर भी आसानी से निकलाएगी। अब एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है, वो शर्ट जिस फैक्ट्री में बन रही है उस फैक्ट्री का टोटल रेंट है 50,000। अब सवाल यह है कि वो फैक्ट्री का जो 50,000 का रेंट है वो एक शर्ट की कॉस्ट के अंदर हम कैसे शामिल करें, कैसे हम इंक्लूड करें, कैसे हम उसमें शामिल करवाएं। एक शर्ट की कॉस्ट के अंदर हम वो जो टोटल फैक्ट्री का रेंट है उसका कितना पार्ट शामिल करें और कैसे शामिल करें। तो लिहाजा इसी तरह यानी कि हमने ही शामिल तो करना है। फैक्ट्री का रेंट भी उस शर्ट की कॉस्ट में शामिल होगा, फैक्ट्री का हमारे पास इंश्योरेंस की कॉस्ट भी शामिल होगी, फैक्ट्री जितने टैक्सेस पे करें वो भी इसमें शामिल होगी, फैक्ट्री की रिपेयरिंग, फैक्ट्री की मेंटेनेंस, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी एक शर्ट के अंदर हमने शामिल करना है। बट सवाल यह है कि हमने कैसे शामिल करेंगे, हम उसको एक शर्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कैसे करेंगे, ये सवाल है यहां पे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओवरहेड एनालिसिस शीट पढ़ेंगे, मीन पूरा ओवरहेड का एनालिसिस पढ़ेंगे, पूरी ओवरहेड की हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर हम एस्टिमेट कर सकेंगे यार कि एक शर्ट की कॉस्ट के अंदर ये जितना भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं या जितने भी हमारे पास जो ओवरहेड लग रहे हैं एक शर्ट की कॉस्ट के अंदर इनको कैसे शामिल किया जाए। तो ये हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे, ये सीखेंगे हम कि एक यूनिट जो हम बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं वो एक यूनिट के अंदर सारी की सारी पूरी फैक्ट्री की या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की या पूरी कंपनी की कॉस्ट हम कैसे शामिल करें, ये हमने बेटी बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना होगा। ठीक होगी बात बेटा, यहां तक कोई सवाल किसी के माइंड में? पहला सवाल, ओवरहेड्स को एस्टिमेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बगैर हम टोटल कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते। एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने की जरूरी है कि हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट करें। नंबर टू, ओवरहेड्स को एस्टिमेट करना क्यों जरूरी हो रहा होता, मसला क्या आता है इसमें? तो मैंने बताया ओवरहेड की जो कॉस्ट होती है ज्यादातर इन टोटल होती है, जैसे फैक्ट्री करेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस, तो ये इन टोटल होती है। तो इसको एक यूनिट के अंदर हम कैसे एब्जॉर्ब करवाएं, कैसे इंक्लूड करें, कैसे शामिल करें, ये हमने यहाँ पे स्टडी करना होगा कि एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर हम इसका कितना पार्ट शामिल करें, वो हमने यहाँ पे स्टडी करना होगा। ठीक होगी बात बेटा। लेकिन अब हम इस पर बात करेंगे कि एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर हमने शामिल कैसे करना है इसको।
ये हम यहां पे बात करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली पहले मैं आपको ना एक बेटा एक बेसिक सा आइडिया दूंगा कि ओवरहेड्स है क्या, ये सारा चल क्या रहा है, फिर मैं वन बाय वन बुक के थोड़े सीक्वेंस पे भी आ जाऊंगा और आपको सवाल भी कराता जाऊंगा, पास्ट पेपर के सवाल भी यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ओवरहेड्स के अंदर क्या हो रहा होता है बेटा, ओवरहेड्स के अंदर हमारे पास फोर मेन स्टेप्स होते हैं। ओवरहेड एनालिसिस के अंदर हमारे पास चार मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। हम एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ गया, मीन लाइट ने झटका लिया, मैं अभी दोबारा इसको ऑन कर रहा हूं, लेकिन अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू बेटा। एलोकेशन, सबसे पहले हम एलोकेशन करते हैं, जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स हैं, कुछ ओवरहेड्स होते हैं वो डायरेक्टली एलोकेट हो रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास डायरेक्टली एलोकेट हो रहे होते हैं तो ठीक है, हम उसको मेंशन कर देते हैं। अच्छा, बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूंगी, जितना भी ओवरहेड एनालिसिस कर रहे होंगे बेटा, इसमें हमारे पास हमेशा इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ये है बेसिकली। सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि ये जो कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये पूरी फैक्ट्री के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट हम इनकर कर रहे होते हैं। हमने बेसिकली वर्किंग ये करनी होती है कि ये जो कंपनी है या ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सी प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में सेल कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दी कि कंपनी क्या करती है, शर्ट्स बना के मार्केट में सेल करती है, पैंट्स बना के मार्केट में सेल कर रही है, या इस किस्म की और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट है। तो हमें ये एस्टिमेट करना होगा कि एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर, यानी एक शर्ट की कॉस्ट के अंदर हम कितने ओवरहेड इंक्लूड करवाएं और उनकी बेसिस क्या होगी, उनकी लॉजिक क्या होगी, किस तरह से हम इसको शामिल करवाएंगे, ये यहां पे हम बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसको हम कैसे शामिल करेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर उसको हम शामिल कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली हमने यहां पे एस्टिमेट करना होगा। तो हमारे पास क्या है यहां पे, यानी हमने 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 यहां पे कुछ स्टेप पर चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये एस्टिमेट करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ओवरहेड लगाए जा रहे हैं, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के डिपार्टमेंट्स कितने हैं जनाब, इस कंपनी के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट से बात शुरू होगी हमारे पास, इनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट्स के अंदर ओवरहेड्स कितने कितने इनकर किए जा रहे हैं। इस कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जितने भी ओवरहेड लगाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ओवरहेड इसी कंपनी के लिए लगाए जा रहे होंगे, इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाए जा रहे होंगे जनाब। तो इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। अगर मैं बात स्टार्ट करता हूं यहां से, मैं एक छोटी सी पहले एग्जांपल लेता हूं बेसिक, फिर बाद में हम पास पेपर के सवाल में बहुत चीजें से बात करेंगे बेटा। हम कंपनी में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं। सपोज कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट, दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मैं यहां पे ले रहा हूं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और फिर हमारे पास कुछ होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कुछ मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और कुछ मेरे पास क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सपोज एक डिपार्टमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मेरे पास वो जगह थोड़ी सी कम है, मैं इस तरह से मान चुका हूं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बेटा, असेंबली डिपार्टमेंट है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यू कह लें आप कि अगर मैं गाड़ी बना के बेचता हूं तो एक डिपार्टमेंट में गाड़ी के खाली स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। फिर तमाम स्पेयर पार्ट्स को आपस में क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, उसे बोलते हैं असेंबली डिपार्टमेंट। देन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यानी ये क्या है, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ प्रोडक्ट्स बनती है। एक हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट का स्टोर है और एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, यानी अगर कोई मशीन खराब होती है तो ये डिपार्टमेंट फौरी तौर पर क्विकली एक्सेस देता है और चीजें मेंटेन, खराब चीजों को ठीक करके देता है, और स्टोर डिपार्टमेंट का काम स्टोर में जितनी भी पड़ी हुई चीजें बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तीसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है, ये दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम चीजों को बनाना है और सर्विस डिपार्टमेंट का काम बाकी डिपार्टमेंट को सपोर्ट देना है, हेल्प करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
कि यार कंपनी के टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। तो चार स्टेप्स हमारे पास होंगे, एक एलोकेशन है बेटा, एक अपोर्शनमेंट है, एक रीअपोर्शनमेंट है और एक एब्जॉर्प्शन है। ये चार स्टेप्स हमने अप्लाई करने, इन चार स्टेप्स के थ्रू हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना है। ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव जनाब ये है कि बहुत सी कॉस्ट पूरी कंपनी के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाई जा रही होती है, उनका कितना पार्ट एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले रहे हैं बेटा, अच्छा जी, सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे एलोकेशन, जगह थोड़ी सी काम है इसलिए मैं देख रहा हूं। एलोकेशन ये हमारे पास हेडिंग होती है, यहां पे लूंगा मैं इसकी बेसिस, टोटल भी लिखता, जगह नहीं है यहां पे, टोटल लिखा जाता। खैर, एलोकेशन में हम क्या करते हैं कि ऐसी कुछ कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही होती है, ऐसी कॉस्ट जो किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही है उस कॉस्ट को उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही हम पुट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, एलोकेट करना। मतलब हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड को हम कितना पे करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास वो इनडायरेक्ट लेबर है बेटा, यहां लिख देता हूं मैं इनडायरेक्ट लेबर, उसको पे करें हम यहां पे 10,000 बेटा। वो कहां काम करता है? वो खाली स्टोर डिपार्टमेंट में काम करता है, स्टोर डिपार्टमेंट के लिए वो गार्ड रखा हुआ है, कोई कोई चोरी ना हो जाए, कोई थेफ्ट केस, कोई इस किस्म के मसले ना हो जाए, तो इसको मैनेज करने के लिए हमने इनडायरेक्ट लेबर रखी हुई है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिर्फ स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर हमने रखा हुआ, बाकी किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। तो ये जो स्टोर डिपार्टमेंट का खाली गार्ड है, इसे ये इनडायरेक्ट लेबर है, इसको जो भी पे कर रहा हूं इसे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर हम सिंपली पुट कर लें। यानी बेसिकली हमने करना है क्या, थोड़ा और आइडिया देता हूं मैं आपको, हम कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तमाम डिपार्टमेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के डिपार्टमेंट हैं टोटल कितने, पहले पूरी कंपनी की कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने डिवाइड करना है। क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर सपोज फैक्ट्री का टोटल रेंट है 50,000, तो 50,000 जो रेंट है कितने डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट का रेंट है वो, तो पांचों डिपार्टमेंट्स में वो रेंट में डिवाइड कर दूंगा लाइक दिस। यानी ऐसी कॉस्ट जो सबसे पहले एलोकेशन, एलोकेशन में क्या था, जो कॉस्ट ऑलरेडी डिवाइडेड होती है उसको हम पुट कर लेंगे, फिर अपोर्शनमेंट, फिर रीअपोर्शनमेंट, लाइक इस तरह से हम कॉस्ट को अपने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लेंगे, फिर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ यूनिट्स बन रहे होंगे, फिर उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उस यूनिट्स के अंदर हम एब्जॉर्ब करवा देंगे, शामिल कर देंगे कोई ना कोई बेस यूज करते हुए। अभी बेस पे मैं बात करूंगा कि बेस क्या होती है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने अभी अब तक आपको सिखाया है एलोकेशन, कैसी कॉस्ट जो किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रही है हम इस सिंगल डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। इसी तरह मैं बात करता हूं यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल, क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए कुछ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, किसी प्रोडक्ट का मेन पार्ट तो बनता नहीं। वो सफाई कहां करता है? सपोज वो सफाई खाली असेंबली डिपार्टमेंट में करता है, तो वो असेंबली डिपार्टमेंट में सफाई के लिए मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है? 5,000 का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो 5,000 मैंने खाली असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर पुट कर दिया, दिस इज एलोकेशन। यानी यू कह लें कि जो कॉस्ट ऑलरेडी डिवाइडेड होती है, जो हमें पता है कि ये कॉस्ट सारी की सारी इस फला डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ये कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ये कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से ये कॉस्ट बिलोंग करती है, इसलिए हम इस कॉस्ट को उस एक सिंगल डिपार्टमेंट में पुट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। कैसी कॉस्ट जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट की है उसी हम सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर ही पुट कर रहे होते हैं, इसको हम एलोकेशन का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। ये हमारे पास क्या है, ये एलोकेशन। ठीक होगी बात बेटा, एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, एलोकेशन में कोई मसला बेटा, इज इट क्लियर? चलू आगे जरा, सर ओनली नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंसीडर करेंगे? नहीं बेटा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ले रहा हूं, सर्विस डिपार्टमेंट भी ले रहा हूं, यानी कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी की सारी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। हमने कल बात की थी कंपनी में 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की भी बात कर रहा हूं, नॉन प्रोडक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा। नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट किस तरह से डिवाइड नहीं की जाती, उनपे ये स्टेप अप्लाई नहीं होती, उनकी बेसिस कुछ और होती है, बताऊंगा अभी मैं, उस पर भी आऊंगा अभी मैं। खाली इन कंपनी के 7 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन हम पहले बात कर लेते हैं।
एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, एडमिन, रिसर्च, आईटी, फाइनेंस, वो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आगे फर्दर पांच डिपार्टमेंट कहने आप कि पांच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो तीन डिपार्टमेंट वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और दो डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही है लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, बनाते नहीं। तो ये यूं कह ले कि पांचों डिपार्टमेंट जो है वो फैक्ट्री के अंदर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है, हमारी कंपनी के अंदर है, ये हमारी कंपनी के अंदर ये पांच डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके अंदर मैं वर्किंग करने जा रहा हूं कि फैक्ट्री की जो टोटल कॉस्ट है एक यूनिट में मैं कैसे शामिल करूं, ये हमें यहां पे एस्टिमेट करने जा रहा हूं। ठीक होगी बात। तो एलोकेशन क्या होगा, ऐसी कॉस्ट जो किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है उस कॉस्ट को मैं उस सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर पुट कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। अब बात कर रहा हूं अपोर्शनमेंट बेटा। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, अपोर्शन करना, डिवाइड करना, डिपार्टमेंटाइजेशन भी इसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट में डिवाइड करना। ऐसी कॉस्ट, सिंपली ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है उस कॉस्ट को हम उन दो डिपार्टमेंट या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट में हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम अपोर्शनमेंट का नाम देते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर, जी जनाब सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर है कि ये हमारा जो स्टोर डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट को सपोर्ट देता है, सर्विस देता है, हेल्प करता है, स्टोर में चीजें बनती तो नहीं ना हमारे पास, इसलिए ये सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ऐसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो चीजें खराब होती हैं उसको सपोर्ट देता है, तभी मैं बात करूंगा कि ये सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करना होता है, हम इसको कैसे कैसे लिख लेंगे। अच्छा जी, तो ये मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर पे हमने बात कर ली, आगे चलते हैं जरा। अच्छा अब अपोर्शनमेंट की बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। अब ये अपोर्शनमेंट का मतलब क्या, अपोर्शनमेंट का मतलब होता है डिवाइड करना, अपोर्शन जगह काम है, मैं इसको यूं ले देता हूं, बेसिकली है क्या ये अपोर्शनमेंट, डिवाइड करना। ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं, हम उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, उनकी कुछ बेसिस होंगी हमारे पास, बेसिस क्या होती है जनाब, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी पहले एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको उससे क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल पूरी फैक्ट्री का रेंट कितना है यार, पूरी फैक्ट्री का टोटल रेंट कितना है, फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पूरी फैक्ट्री का जो रेंट है बेटा, जो रेंट कितना है पूरी फैक्ट्री का, जो टोटल रेंट है ये मैं लिख देता हूँ, रेंट पूरी फैक्ट्री का जो टोटल रेंट है, रेंट है सपोज 50,000। हाँ जी, वो 50,000 को हम इन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, 50,000 का कितना बार यहाँ आए, कितना बार यहाँ, कितना यहाँ, कितना यहाँ, कितना यहाँ, ये हमने वर्किंग कर देंगे कि पूरी फैक्ट्री का रेंट मैंने कह दी 50,000 है, इसकी बेस क्या होगी और इसको हम कैसे डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। तो हम बरल इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जो रेंट है फैक्ट्री का इसको फ्लोर एरिया की बेस पे हम डिवाइड करेंगे कि कितने स्क्वेयर फीट का मेरी ये फैक्ट्री है, यानी जो डिपार्टमेंट जिसका एरिया ज्यादा बड़ा है उसका रेंट भी ज्यादा होगा, और वो डिपार्टमेंट जिसका एरिया कम होगा उसका रेंट भी कम होगा। तो फ्लोर एरिया की बेस पे मैं क्या करूंगा, इस रेंट को इन पांचों डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक बेस मुझे मिल जाएगी कि मैं किस किस तरह से इनको डिवाइड कराऊंगा। तो मैं एक नई शीट ले लेता हूं ताकि हमें मसला ना हो, मैं उस पर थोड़ा आपको आइडिया करके दिखा देता हूं। यानी यहां पर मेरे पास एक डिपार्टमेंट कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, स्टोर है, मेंटेनेंस है, ये पांच डिपार्टमेंट्स है। मैं आपको एरिया बता रहा हूं इसका, फ्लोर एरिया कितना है, फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट के अंदर है या मीटर क्यूब के अंदर है, किसी भी तरह से ये व्हाटएवर कोई भी यूनिट है, फ्लोर एरिया बताया हुआ हमारे पास कि टोटल फ्लोर एरिया कितना है। टोटल फ्लोर एरिया सपोज हमें दिया हुआ है कि 80,000 का टोटल फ्लोर एरिया, 80,000 में से कितने स्क्वायर फीट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के हैं, 40,000 इसके हैं जनाब, 20,000 इसके आ रहे हैं, 5,000 फिनिशिंग के आ रहे हैं, 5,000 इससे 5,000 मेरे पास फिनिशिंग के हैं, तो कितना बन रहा है मेरे पास 65 हो गया, 65 में से मेरे पास 10,000 स्टोर के हैं और फिर 5,000 मेरे पास मेंटेनेंस के हैं। ये मेरे पास डिपार्टमेंट से बेटा ये हमने फाइंड कर लिया
ये मैं बताया और सवाल के अंदर दिया हुआ कि टोटल फ्लोर एरिया कितना है, वो 80,000 का है, उसमें से कुछ हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है 40,000, कुछ असेंबली से बिलोंग करता है 20,000, कुछ फिनिशिंग से बिलोंग करता है 5,000, कुछ स्टोर से बिलोंग करता है 10,000, कुछ मेंटेनेंस 5,000 हमारे पास मेंटेनेंस से बिलोंग करता है। ये दिस इज टोटल फ्लोर एरिया, ये हमारे पास फ्लोर एरिया दिया हुआ है। अभी सवाल के अंदर हमने क्या लिया था, हमें फैक्ट्री सवाल के अंदर जो टोटल बेस दी हुई थी बेटा, हमें क्या दिया हुआ था, 50,000 का टोटल मैंने आपको वैल्यू दी हुई थी, ये मेंशन किया था 50,000। यहाँ पे टोटल का कॉलम भी होना चाहिए और मैं जिसमें मेंशन करूं कि है क्या, चले जगह नहीं मेरे पास, मैं इसमें इसके साथ बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे फिलहाल मेंशन कर रहा हूं कि ये मेरे पास 50,000 क्या है, ये मेरे पास टोटल रेंट है, रेंट को मैंने 5 डिपार्टमेंट से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिटेल मैंने दी हुई आपको कि ये फ्लोर एरिया बताया हुआ आपको, 50,000 आपका टोटल रेंट है, दिस इज। अब 50,000 को मैंने कैसे डिवाइड करूं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिवाइड कैसे करें हम यहाँ पे, तो यहां हमें डिवाइड करना है कि कितना कितना पार्ट में, कितना पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का होगा, कितना असेंबली का होगा, कितना फिनिशिंग का, कितना स्टोर का, कितना मेंटेनेंस का। मैन्युफैक्चरिंग का फ्लोर एरिया ज्यादा है, फैक्ट्री इसका फ्लोर एरिया ज्यादा है, इसलिए हम 50,000 में से ज्यादा पार्ट इसको शामिल करेंगे। असेंबली का एरिया कम है, इसका कम पार्ट हम असेंबली में शामिल करेंगे। तो ये 50,000 बल्क कॉस्ट हमें सब में डिवाइड करनी है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हम इसको फ्लोर एरिया डिवाइड कर देते हैं। अभी इसको पिन करें डिवाइडर, इसको जल्दी जरा, हाँ जी बेटा कैसे डिवाइड होगा ये, सपोज मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने वो 50,000 की मेरी टोटल कॉस्ट है, टोटल फ्लोर एरिया कितना है 80,000 का टोटल फ्लोर एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 40,000 का है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल कॉस्ट को टोटल बेस से हमें डिवाइड करना है। यू मैं इसको लिख देता हूँ कि टोटल कॉस्ट लेनी है आपने, ये टोटल कॉस्ट कितने हैं, जो भी आप बेस यूज कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल बेस के साथ, टोटल कॉस्ट को टोटल बेस से डिवाइड कर देंगे हम, जो भी इसके रिस्पेक्टिव बेस होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट को टोटल बेस से डिवाइड करेंगे और रिस्पेक्टिव बेस से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो अभी हमने किया यहाँ पे 50,000 को हमने 80,000 से डिवाइड किया, 40 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या वैल्यू आ रही मेरे पास 25,000 आ रहा है, तो ठीक हो गया बेटा, तो 25,000 मेरे पास यहाँ आ गया, ये 25,000। फिर इसी तरह नेक्स्ट असेंबली के करके दिखाएं, इसको 80 से डिवाइड करें और 20 से मल्टीप्लाई करें, हाँ जी जल्दी कितनी वैल्यू आ रही बेटा, हाँ बेटा आगे करें बिल्कुल 12,500 आ जाएगा बिल्कुल। फिर नेक्स्ट ये बताया मुझे फिनिशिंग का, 50,000 को डिवाइड करें 80 से मल्टीप्लाई करें 5,000 से, 8,000 आई थिंक आ जाएगा। हरी अब सब लोग ट्राई करें बेटा, सब लोग ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन करें, मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, हाँ जी क्या वैल्यू आ रही, हाँ जी 3,125 आ रहा है, 8,000 आ रहा है, देख लीजिएगा जरा, सब लोग चेक करें, टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास बेटा, नेक्स्ट बेटा टोटल कॉस्ट 50,000, इसको टोटल बेस से डिवाइड करें, टोटल बेस कितनी 80,000 और रिस्पेक्टिव बेस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास 3,125 आ गया, यहां पे 3,125 आ गया बेटा, यहां क्या आ रहा है, क्यों जी यहां क्या आ रहा है 6,250 आ गया, दिस इज ठीक हो गए जनाब। तो हमने 25,000 को 12,500 को 3,125 रेशा से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने डिवाइड कर दी यहां पे, ये जो कॉस्ट थी मेरे पास 50,000 की जो कॉस्ट थी, तो मैंने इसको किस तरह से डिवाइड किया, तो फ्लोर एरिया मैंने बता दिया था आपको, इसकी बेस होगी
तो फ्लोर एरिया की बेस पे हमने कॉस्ट को डिवाइड कर लिया बेटा। तो हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, तो 25,000 मेरे पास यहां आ रहा था, 25,000, 12,500 मेरे पास यहां आ रहा था बेटा, 12,500 आ रहा था, देन मेरे पास 3,125,6,250 एंड 3,125 ये वैल्यूज मेरे पास आ रही थी, आई थिंक सो। ठीक हो गया बेटा, यहां तक बात क्लियर है, किसी को मतलब है इसमें कोई इशू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ठीक हो गया। रेंट को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। इसी तरह फैक्ट्री बिल्डिंग की कोई भी कॉस्ट है, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट हो गया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस कॉस्ट है, फैक्ट्री की मेंटेनेंस है, फैक्ट्री की डिप्रिसिएशन है, फैक्ट्री की हीटिंग लाइटिंग है, फैक्ट्री की किसी भी किस्म की कॉस्ट है, उसके लिए बेस हम क्या यूज करेंगे बेटा, फ्लोर एरिया। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि टोटल फ्लोर एरिया दिया होगा, हर एक डिपार्टमेंट का भी दिया होगा, टोटल कॉस्ट को हम टोटल बेस से डिवाइड करके हर एक की रिस्पेक्टिव बेस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से कॉस्ट हमारे पास क्या होती जाएगी, डिवाइड होती जा रही होगी। ठीक होगी बात, यहां तक क्लियर होगी बेटा बात, तो हम कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह अगर हमारे पास मशीन की कॉस्ट है, मशीन की डेप्रिसिएशन है, मशीन की इंश्योरेंस है, मशीन की मेंटेनेंस है, मशीन की कोई भी कॉस्ट, इसके लिए बेस यूज करते हैं रिटन डाउन वैल्यू, नेटबुक वैल्यू या वैल्यू ऑफ द मशीन। एक ही चीज का नाम है कि वैल्यू मशीन कितनी है, वैल्यू मशीन से हम कॉस्ट को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं। इसे हमारे स्टाफ की कॉस्ट है, कैंटीन की कॉस्ट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे हम कॉस्ट को डिवाइड करते जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट अपोर्शनमेंट की बेसिस होती है, आपकी बुक में भी लिखी होगी, मैं भी दिखाता हूं आपको। तो ये अपोर्शनमेंट की डिफरेंट बेसिस होती है, इस अपोर्शनमेंट की बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को हम अपोर्शन कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम कॉस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं आप। तो डिवाइड कैसे करते हैं, यहां थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इसके ऊपर, डिवाइड कैसे करेंगे, मैं इस पे आता हूं। मेरे पास मेरी हैंडबुक के अंदर ये बना होगा कुछ ना कुछ, ये डिफरेंट बेसिस आई है आपके सामने, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, सबको नजर आ रहा है आई थिंक सो। ये डिफरेंट बेसिस होती हैं, कुछ बेसिस आपको याद करनी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी वो हमने करके देख लिए। जैसे मैं फैक्ट्री का रेंट आपको दिया था, तो किसी भी किस्म का फैक्ट्री का, ये मैंने आपको रेंट दिया था बेटा फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री का रेंट ऑफ द बिल्डिंग था, तो इसके लिए हमने फ्लोर एरिया यूज किया। तो किसी भी किस्म का अगर आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग, बेसिकली ये सारी की सारी कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट है, फैक्ट्री की जो भी कॉस्ट है, इसके लिए बेस हमेशा फ्लोर एरिया स्क्वेयर फीट जिसे हम यूज कर ले, या क्यूबिक फीट, फ्लोर एरिया की बेस पर हम डिवाइड करेंगे। तो फैक्ट्री की हीटिंग एंड लाइटिंग कह लेंगे, एयर कंडीशनर एंड हीटिंग कॉस्ट कह लें, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, लाइटिंग, ये सब हम क्या करते हैं, फ्लोर एरिया की बेस पे हम कॉस्ट को हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्री जनरल आपने बात याद रखते हैं कि फैक्ट्री बिल्डिंग की कोई भी कॉस्ट है, फैक्ट्री बिल्डिंग की जितनी भी कॉस्ट होती है वो फ्लोर एरिया की बेस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अब मशीनें जितने भी एसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मशीनों की जितनी भी कॉस्ट है, उसके लिए वैल्यू ऑफ द मशीन या नेटबुक वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मशीन प्लांट मशीनरी की मशीनरी है, तो मशीन की डिप्रिसिएशन, मशीन की इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक, इनकी मशीन में बनाते हैं हम इंश्योरेंस स्टॉक कह रहे हैं, मेंटेनेंस एंड ऑफ द रिपेयरिंग ऑफ द प्लांट्स, मशीनरी की जितनी भी कॉस्ट, इसके लिए हम कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बच्चे पूछे हुए रिवैल्यूएशन लॉस अगर होगा तो उसको भी यू ही हम अपोर्शन करेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस, पहली बात है कि रिवैल्यूएशन लॉस का यहां कॉन्सेप्ट किधर आ गया, दूसरी बात है कि रिवैल्यूएशन लॉस किसकी बेस पे होगा। अगर हम देखें, हम तो ऑलरेडी मशीन को डिक्रीज कर रहे होते हैं, अच्छा चलें, फिर भी अगर आप इसके जानना चाहते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस अगर प्लांट एंड मशीनरी का है, यानी मशीनरी का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, तो हम वैल्यू ऑफ द मशीन की नेटबुक वैल्यू के बेस पर हम डिवाइड कर देंगे। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, हमारे पास पूरी बिल्डिंग हमारे पास लॉस हो रहा है, तो हम फ्लोर एरिया की बेस पे हम उसको अपोर्शन कर लेंगे। इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इस्तेमाल किए बगैर टेक्निकली फॉल्ट की वजह से उसकी वैल्यू में जो चेंज आता है, उसे बोलते हैं हम ये रिवैल्यूएशन लॉस, या इसे बेसिकली बोलेंगे इंपेयरमेंट। तो वो बिल्डिंग का है तो फ्लोर एरिया की बेस पे बेटा, अगर मशीनरी का है तो मशीनरी के बेस पे हम नेटबुक वैल्यू या वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पे इसको हम डिवाइड कर रहे होंगे। इसी तरह आगे हमारे पास, अच्छा जी,
इसने आगे हमारे पास हॉलीडे हॉलीडे पेरोल की जितने भी टैक्सेस होते हैं, पेंशन की प्रोविजंस होती हैं, हॉलीडे वेकेशन पे वगैरह होती हैं, इसको लेबर कॉस्ट की बेस पे, लेबर इन वेजेस कॉस्ट की बेस पे आप करें, डिपार्टमेंट कॉस्ट की बेस पे डिवाइड करेंगे। जो मेन बात आप याद रखनी है कि कैफे की जितनी भी कॉस्ट है, कैंटीन की कॉस्ट हो गई, मेडिकल की सर्विसेज हो गई, लेबर की वेलफेयर एक्सपेंसिस हो गए, रिक्रिएशन एक्सपेंसिस, सुपरविजन एक्सपेंसिस, ये जितनी भी कॉस्ट है नंबर ऑफ इंप्लॉइज, नंबर ऑफ वर्कर्स की बेस पे इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये अपोर्शनमेंट की बेसिस है। एक और मेन याद रखनी है इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पावर की बेस पे, यानी आपको हाउस पावर आवर्स दिए होंगे, आपको हॉर्स पावर आवर्स दिए होंगे हमेशा हमें सवाल के अंदर, हम इसकी बेस पे कॉस्ट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कहीं हम टेक्निकल एस्टिमेट लगाते हैं, यानी इंटरनल ट्रांसपोर्ट हमारी कंपनी के अंदर इंटरनली भी है, तो टेक्निकल एस्टिमेट फायर प्रिवेंशन के लिए, मैनेजेरियल सैलरीज के लिए, ये इसके अलावा स्टीम कंजम्पशन के लिए, तो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं यार कि किस किस डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी ट्रांसपोर्ट यूज की है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आग लगने का ज्यादा खतरा है, उसके लिए फायर प्रिवेंशन हमने ज्यादा इस्तेमाल की हुई है, जहां कोई मटेरियल ऐसा कोई टेक्निकल पड़ा हुआ है, तो लाइक दिस हम टेक्निकली एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना ये यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये टेक्निकल एस्टिमेट की बेस पे हम कॉस्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा टेक्निकल एस्टिमेट यूज कर लेते हैं कि हमारा टेक्निकल एस्टिमेट क्या होगा। देन हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है, तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू ऑफ द मटेरियल की बेस पे, नंबर ऑफ रेक्विजिशन की बेस पे भी हो जाएगा ये, तो मटेरियल रेक्विजिशन कितनी कितनी किस किस डिपार्टमेंट से आ रही है जनाब, जितनी जितनी रेक्विजिशन आ रही है, तो रेक्विजिशन की बेस पे हम उस कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द अपोर्शनमेंट बेसिस, इस बेस पे हम कॉस्ट को क्या करते हैं, अपोर्शन कर रहे होते हैं। यहां तक कोई मसला बेटा? एलोकेशन मैंने क्या बताया अभी आपको बेटा, एलोकेशन, व्हाट्स मीनिंग ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन मैंने क्या बताया, ऐसी कॉस्ट जो किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, उस कॉस्ट को आप उस सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर पुट कर रहे थे, इसी बोलते हैं हम एलोकेशन। अपोर्शनमेंट मैंने क्या बताया, ऐसी कॉस्ट जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको अपोर्शनमेंट का नाम देते हैं। बच्चे ने सवाल किया सर टेक्निकल एस्टिमेट को काइंडली रिपीट कीजिए, टेक्निकल एस्टिमेट होता है कि आप खुद से एस्टिमेट करते हैं, आप खुद से एस्टिमेट कर लेते हैं यार, जैसे मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है पांचों डिपार्टमेंट के अंदर, मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो हम खुद से एस्टिमेट करेंगे ना यार किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना मटीरियल यूज किया, तो ये रेक्विजिशन से पता चल जाएगा कि एक डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यहां से कितनी रेक्विजिशन आई है और रेक्विजिशन की वैल्यू क्या है। जो डिपार्टमेंट ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करेगा उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी यार, उसको ज्यादा चार्ज करेंगे, जो डिपार्टमेंट हमारे पास कम जिसको कॉस्ट जा रही होगी उसको हम कम कॉस्ट चार्ज कर रहे होंगे। दिस इज बेसिकली द अपोर्शनमेंट, कि हम कॉस्ट को दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही होती है तो उस कॉस्ट को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसको जो डिवाइड करते हैं, इसके डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट, इसे बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपोर्शनमेंट कर रहे होते हैं, इसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन हम बेसिकली कर रहे हैं। हम यहां तक कोई इश्यू बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर, इज इट डन? अब अच्छा चलें यहां पे एक और बात भी करता हूं कि यार इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिपार्टमेंट में क्यों कर रहा हूं, कॉस्ट को डिपार्टमेंट में डिवाइड क्यों कर रहा हूं, और इसका क्या फायदा होगा, व्हाट विल बी द एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होगा। अच्छा एक बार याद है कि जितनी भी कॉस्ट में यूज कर रहा हूं ये सब एस्टिमेटेड है, मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं, ये सब एक्चुअल कुछ भी नहीं, मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं टोटल फैक्ट्री करेंट इतना है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्चुअली तो नहीं हो रहा ना, हमने तो कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा ये हम डिपार्टमेंटलाइजेशन क्यों करते हैं यहाँ पे, ये एक सवाल है। हाँ जी, हम डिपार्टमेंट में कॉस्ट को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में हम कॉस्ट को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे बेटा एडवांटेजेस इसके बारे में लिखा हुआ जरा, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द अपोर्शनमेंट या डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या एडवांटेज है इससे, अगर हम कॉस्ट जब हम डिवाइड करते हैं। अच्छा बच्चे ने एक और बताया, ठीक है उस पर बात करते हैं,
देखो कॉस्ट को डिवाइड करते हैं बेटा, डिवाइड करने से हम कॉस्ट सही तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं, द कॉस्ट ऑफ द जॉब्स और प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड मोर एक्यूरेटली। जो इससे हम क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा लगाया जा रहा है और कितना उसकी कॉस्ट है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कंट्रोल ओवरहेड्स को कंट्रोल कर सकेंगे, या किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा जा रही है, किसका एरिया ज्यादा है या किसकी कॉस्ट ज्यादा है, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सके। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल विल बी मच बेटर। तीसरी बात, ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बड़ा हेल्प करेगा कि यार कौन से डिपार्टमेंट ज्यादा कॉस्ट ले रहा है, किस डिपार्टमेंट को चलाना चाहिए, किसको बंद करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा और प्रॉफिट कम दे रहा है। तो ये डिपार्टमेंट्स को भी हम डिसाइड करने में हेल्प करता है यहाँ पे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, और जितने भी हमारे पास पेपर बेस्ड फॉर द एप्लीकेशन, हम फैक्ट्री ओवरहेड जब निकाल रहे होते हैं तो पेपर बेस्ड बेस बनाता है कि यार टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड ये है, ये डिपार्टमेंट से इनमें इतने ओवरहेड लगाए जा रहे हैं, तो हमारी पेपर बेस इसकी मदद से बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा एस्टिमेट कर पाते हैं। ठीक होगी बात बेटा। तो ये इसके फायदे हैं, मेन फायदा क्या है, कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो जाती है, और कॉस्ट को ओवरहेड्स को हम कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये बात क्लियर सबको, इज इट डन। अच्छा कल मैंने एक और बात की थी आपसे यार, कि इनडायरेक्ट मटीरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई एग्जाम्पल देंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने बनेंगे, ये आप आंसर ऑफ द ये क्वेश्चन 11 को देखेंगे आप बेटा, आप ये आपको आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल देख इसको कुछ किस तरह देख लें बेटा एग्जाम्पल। हाँ जी एग्जाम्पल्स देखें, इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सब लोग एग्जाम्पल देखें जरा इसकी। हाँ जी एग्जाम्पल बड़े क्लियर है, किसी को कोई सवाल इस एग्जाम्पल्स में? चले आगे यार, शुड बी कंटिन्यू। तो ठीक हो गया, हमने यहां तक अभी बात की कि हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, हम एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन का मतलब क्या, ऐसी कॉस्ट जो किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, सिंगल डिपार्टमेंट कॉस्ट सपोर्ट कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, ये एलोकेशन हो रही है। उसके बाद अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट मैंने आपको दी हुई। चलो मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने मुझे करके दिखाया, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा आपको कॉस्ट दे देता हूं, यहां पे कॉस्ट क्या देता हूं आपको, कॉस्ट नाम ये है, कॉस्ट आपको देता हूं मैं कैंटीन की कॉस्ट देता हूं। चलो कैंटीन की कितनी कॉस्ट है, कैंटीन की कॉस्ट है 35,000। अच्छा जी कैसे डिवाइड होगी, अभी मैंने बात की थी नंबर ऑफ वर्कर्स की, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे,
मैं नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपको दे देता हूं, चले यहां देता हूं डिटेल, नंबर ऑफ वर्कर्स जरा मुझे आपने डिवाइड करके दिखाना है कॉस्ट को, कितने वर्कर्स हैं। तो आपके पास 35 वर्कर यहां पे हैं, 15 वर्कर यहां पे हैं, 10 वर्कर यहां पे हैं, 5 यहां पे हैं और 7 यहां पे हैं। कॉस्ट को डिवाइड करें मेरा हरी, अब मुझे बताएं मैन्युफैक्चरिंग में कितनी आएगी, असेंबली में कितनी आएगी, फिनिशिंग में कितनी आएगी। इफ द कोल इज बींग यूज ओनली फॉर द सिंगल मशीनरी विल वी कैटेगराइज द कॉस्ट ऑफ कोल एज डायरेक्ट मटीरियल। कोल बच्चे ने कहा कि अगर कोल किसी एक सिंगल मशीनरी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो बेटे की डायरेक्ट मटेरियल कैसे हो सकता, डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है। चले ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ना। एक ऐसा मटेरियल दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए पहले ये बात यह है कि क्या हम मशीनरी बनाते और मशीनरी के अंदर वो कोल डायरेक्ट नजर आता है, नहीं नजर आता। तो गौर से गौर से एक बच्चे का सवाल है, मैं इसको आंसर दे दूंगा। अच्छा एक बार याद रखें, जैसे मैं शर्ट बनाता हूं, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये डायरेक्ट मटेरियल बेटा। मैं डोर बनाता हूं, दरवाजा बनाता हूं, उसके लिए लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, लोहा इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। टेबल बनाते हैं, लकड़ी इस्तेमाल हो रही, शीशा इस्तेमाल हो रही, डायरेक्ट मटेरियल। इसके बगैर, वो शीशे के बगैर, लकड़ी बगैर टेबल बन नहीं सकती। अगर ये टेबल जिस मशीनरी पे बनता है उस मशीनरी में कोई कोल या कोई ऑयल या कोई चीजें इस्तेमाल हो रही है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। पहली बात हुई है इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर वो किसी एक सिंगल मशीनरी में इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और वो एक सिंगल मशीनरी किसी एक डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल किसी एक डिपार्टमेंट में लगाया जा रहा है, उसे हम एलोकेशन बोलेंगे। एलोकेशन बेटा ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ जी कॉस्ट को डिवाइड करें जल्दी जरा, सब लोग सब लोग सब लोग, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई। हरिय 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 हाँ जी सब लोग सॉल्व कर लिए बेटा, सब लोग ऑल ऑफ यू शुड हैव सॉल्व। अच्छा जी सब ने सॉल्व, सर मेंटेनेंस में 17014 है, 17014 कर ले बेटा। मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में 7292 है, 92 आ गया। फिनिशिंग में 4861 है, 61 आ गया। स्टोर में 2431 है, डन। मेंटेनेंस में 3403 है, चले डन। अब इसको ऐड कर दे जरा मुझे, हरियप हरियप सब लोग ऐड कर दे। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद टोटल क्या आ रहा है, ये टोटल ऐड कर दे हरियप, सब लोग बेटा ऐड करें इसको। उम्र बेटा सबको ऐड करके मुझे बता रहे थे वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में क्या वैल्यू आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में
25,000 है और 17014 आपने ऐड करना है 25 और इसको मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में बेटा ये तो टोटल कॉस्ट है, टोटल नहीं है, आपने ऐड करना टोटल को तो हमने डिवाइड कर दी थी सबके अंदर, इसको नहीं ऐड करना आप, बाकी सारा ऐड करें। फोर टू जीरो वन फोर ठीक है, फोर टू जीरो वन फोर देन हरियप 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 मैन्युफैक्चरिंग में हमने ऐड कर दिया। अब इसमें आपने ये वैल्यू ऐड करनी है, एक दो और ये तीन, एलोकेशन और पोस्टमेंट तीनों को ऐड करना है, ऐड करके आपने बेटा मुझे बताना है। टू फोर सेवन नाइन टू बेटा हो गया, देन एट डबल जीरो सिक्स आ गया बेटा, देन हमारे पास ये क्या था, देन मेरे पास यहां भी ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, एलोकेशन अपोर्टमेंट तीनों को ऐड करना आप, 10,000 प्लस 6250 प्लस 2431 ऐड किया हमने, यानी हमने किया क्या अभी तक, कॉस्ट को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया 18681 और बेटे इसको भी ऐड कर लेना लास्ट वाले को 6528 ले जी, यहां तक बात हमारी क्लियर होगी। हमने स्टार्ट किया यार, मेरा एक अपना मेथड है इसको सॉल्व करने का, इसलिए मैं इस पैटर्न से लेके चल रहा हूं आपको, बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगी ओवरहेड्स। सबसे पहले हमने ओवरहेड्स को क्या किया है, सबसे पहले हमने ओवरहेड्स को हमने पूरी कंपनी की टोटल कॉस्ट का सबसे पहले मेंशन किया है कि यार डिपार्टमेंट्स कितने, डिपार्टमेंट मेंशन किए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किए कितने डिपार्टमेंट्स है, मैंने एग्जांपल ली कि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, स्टोर है, मेंटेनेंस, दो सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर मेंटेनेंस, पांच डिपार्टमेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली। फिर हमने क्या किया है कि पूरी कंपनी की जो कॉस्ट है यानी पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हमने डिपार्टमेंट्स पे डिवाइड किया है, दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। तो हम ये क्या करें, अपोर्शनमेंट करें, तो हमने अपोर्शन कर लिया कॉस्ट को, हमने पहले हमने क्या किया एलोकेशन, सबसे पहले हमने कहा कि जो कॉस्ट किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है उसको हमने पुट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। फिर हमने क्या किया कि ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो उसको हमने यहां डिवाइड कर लिया अपोर्शनमेंट। अब यहां पे सवाल आएगा री अपोर्शनमेंट, कि जितने भी हमारे पास जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट को उठा के दोबारा से हम प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं, वो क्यों, वो इसलिए जनाब कि सर्विस में सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रोडक्शन तो नहीं होती, कोई चीज बनती तो नहीं, हमने बेसिकली कॉस्ट को डिवाइड क्यों किया था, हमने कहा था पूरी कंपनी की कॉस्ट को पहले हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। यानी होगा क्या, बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें बेटा, इसमें आइडिया देता हूं मैं आपको थोड़ा सा क्विक आइडिया, कल यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा, अभी एक आइडिया देने लगा हूं आपको चलना क्या है कैसे हमने इसको देखा। सबसे पूरी पूरी की पूरी कंपनी यार उसका एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने पहले डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, हमने हमारे पास डिपार्टमेंट कितने, मैंने क्या मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, स्टोर है, मेंटेनेंस है, मैंने पांच डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर लिए। पहले मैं पूरी कंपनी की कॉस्ट को पांचों डिपार्टमेंट से डिवाइड करूंगा, इस पूरे पांच डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइड होगी। ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी डिवाइडेड है उसको हमने पहले पुट कर दिया, जो ऑलरेडी डिवाइडेड है हमने उसको पुट कर लिया, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, एलोकेट कर दिया, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ा उसके लिए बेसिस हमें ढूंढ लेंगे कि हमने क्या फैक्ट्री बिल्डिंग की कोई भी कॉस्ट है फ्लोर एरिया, मशीनरी की कोई भी कॉस्ट है वैल्यू ऑफ द मशीन, कैफे स्टाफ, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये पोर्शनमेंट की बेसिस जो कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे हम इन पांचों डिपार्टमेंट्स में। जब हम कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हम रीअपोर्शनमेंट के सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को दोबारा से हम प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में हम चार्ज करेंगे, दिस इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। फिर हम हर एक डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होगी रीअपोर्शनमेंट करने के बाद, जो हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी वो उसे हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्ब करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन की बेसिस करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होगी उस डिपार्टमेंट के अंदर बनने वाले यूनिट्स में शामिल कर देंगे, कि मैन्युफैक्चरिंग की कितनी कॉस्ट है, इसमें यूनिट्स कितने बन रहे हैं, कॉस्ट को यूनिट्स में शामिल करवा दूंगा, इसमें वन बाय वन हम डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को यूनिट्स में हम इंक्लूड कर देंगे, शामिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये चार स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले एलोकेशन,
then apportionment, फिर reapportionment, फिर बेटा absorption, absorption की कुछ अपनी basis होगी। तो बहरहाल allocation और apportionment मैंने आज discuss कर दिया, कल मैं बाकी discuss करूंगा और एक सवाल भी करेंगे कल हम बाहर पेपर का। So I think for today this is sufficient, so inshallah we will continue tomorrow बेटा। यहां तक क्लियर? कोई इश्यू, कोई सवाल, कोई आपके माइंड में कोई बात? डन? सो ओके इंशाल्लाह बेटा, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू। Thank you.